हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हॉट एंड टेस्टी किचन। फ्रेंड्स, बहुत सारा इंडियन एंशियंट डिशेस है, यूनिक डिशेस है जो धीरे धीरे गायब हो गया है, और कुछ कुछ ऐसा डिशेस है जो अभी भी चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा डिशेस भी है जो यूनिक टेस्टी फूड था लेकिन वो बिल्कुल गायब हो चुका है, उसका नाम भी आपने शायद सुना नहीं। तो ऐसे ही एक एंशियंट टिपिकल डिश बंगाली क्विजिन से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका नाम है एग कटलेट करी से। तो चलिए देखते हैं ये एग कटलेट करी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जरूरत है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने धनिया, जीरा और मिर्ची रोस्टेड पाउडर ले लिया, गरम मसाला और क्यूमिन पाउडर ले लिया, हल्दी, रेड चिली पाउडर और नमक, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट और टमाटो। टमाटो को मैंने क्यूब्स में काट लिया, और चॉप अनियन, स्लाइस अनियन और रेड ग्रीन चिली चॉप, बॉयल पोटैटो, दो डक एग्स और ऑयल फॉर फ्राई। तो सबसे पहले मैं पोटैटो को मैश कर लूँगा, अच्छे से पेस्ट करना है, स्मूथली पेस्ट करना है इसको, और उसके ऊपर से मैं थोड़ा सा नमक, ये टेस्ट के हिसाब से नमक और हल्दी पाउडर, उसके बाद मैं इसमें जीरा पाउडर दे देता हूँ। जीरा पाउडर देने के बाद मैं इसमें रेड चिली मिलाऊँगा, रेड चिली पाउडर, तो रेड चिली पाउडर भी मिला दिया, और इसमें चॉप ग्रीन चिली दूँगा, चॉप ग्रीन चिली, रेड ग्रीन चिली मैंने यूज़ कर रहा हूँ, तो आप ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डालने के बाद अभी मैं इसमें अदरक का पेस्ट डाल रहा हूँ, लहसुन का पेस्ट नहीं डालना है, वो स्मेली हो जाएगा, तो सिर्फ अदरक का ही पेस्ट डालना है, और चॉप अनियन, चॉप अनियन भी डाल दिया, और जो डक एग है जिसको बतख का अंडे बोलते हैं, ये अंडे मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो टेस्ट है एकदम बिल्कुल अलग है, नॉर्मल पोल्ट्री अंडा से बेहतर टेस्ट है इसका। तो ट्रेडिशनली डक एग ही यूज़ होता है इसमें, ये जो मैं डिश आज बना रहा हूँ, तो आप ट्राई करिएगा कि डक एग बाज़ार में मिल जाता है तो इसी से बनाने की कोशिश करिएगा। तो मैं इसको एक सारे मसालों को मिला के एकदम अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगा, और एक बहुत अच्छा स्मेल आएगा इसमें, और ये जो पेस्ट होगा ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा, एकदम पतला भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी, और मैं जो बाकी पोटैटो था उसको आधा आधा करके काट लिया, और अभी जो करना है, मैंने जो पेस्ट बनाया था अंडा का और पोटैटो का, वो पेस्ट को कटलेट की तरह बना के इसको फ्राई करना है। तो नेचुरली फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल ले लिया, और तेल थोड़ा सा गर्म होते ही मैं एक एक करके जो पेस्ट है चम्मच से मैं एक एक करके इसको फ्राई कर लूँगा, और राउंड से मैं फ्राई करूँगा कटलेट की तरह, तो एक एक करके मैं सेलो फ्राई कर लूँगा, और लो हीट में फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो आप देख सकते हैं, और नीचे थोड़ा बैठ जाएगा तभी आप इसको पलटिएगा, नहीं तो ये बाहर निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं नीचे भी थोड़ा सा फ्राई होने के बाद ही मैं इसको पलटा रहा हूँ और दोनों तरफ से फ्राई कर रहा हूँ, नहीं तो टूटने का चांसेस है। तो ऐसे ही सेलो फ्राई करना है इसको। मैं वेजिटेबल ऑयल में फ्राई किया, आप चाहते हैं तो मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर सकते हो, उसका टेस्ट थोड़ा बेहतर होता है। और बाकी जो तेल बचा हुआ था उसमें मैं थोड़ा सा आलू को भी फ्राई कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के मैं इसको थोड़ी देर के लिए टॉस कर लेता हूँ, इसका कलर आ जाएगा। तो ये हो गया है। अभी मैं कढ़ाई में ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लिया, और मस्टर्ड ऑयल गर्म होते ही मैं इसमें स्लाइस अनियन था, स्लाइस अनियन डाल दिया, और स्लाइस अनियन गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई करूँगा। तो ये हो गया है। अभी मैं इसमें गार्लिक का पेस्ट डाल दिया, गार्लिक का पेस्ट डाल के थोड़ा देर टॉस करना है, इसका स्मेल आ जाएगा। तो मैं इसमें अदरक का पेस्ट डालूँगा,
तो बचा हुआ जो अदरक का पेस्ट था मैंने वो मिक्सर में डाला था थोड़ा, और जो बचा हुआ था वो मैं इसमें डाल दिया। इसको भी थोड़ी देर के लिए टॉस करना है, और बहुत ज़्यादा अगर चिपक रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, तो थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया है, अभी मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया। रेड चिली पाउडर इसमें डालने के बाद फिर से जैसे ही मसाला को भूनना पड़ता है इंडियन फूड्स में, वैसे ही मसाला को भूनिए, इसका रॉ स्मेल चला जाएगा। और थोड़ा सा नमक दे दिया ताकि अनियन जल्दी जल्दी पिघल जाए और स्मूथ पेस्ट बन जाए। और ये अब देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, मतलब इसका ड्राई हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी यूज़ कर रहा हूँ। तो एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा, और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, और जीरा पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी इसमें डाल दिया, और थोड़ा सा पानी देके इसको फिर से मैं भूनूंगा थोड़ी देर के लिए, जब तक ये जीरा का और गरम मसाला का रॉ स्मेल चला ना जाए तब तक इसको भूनना है। तो अब मसाला हो गया है, आप देख सकते हैं। और मसाला होने के बाद मैं इसमें क्यूब्स टमाटो डाल दिया। टमाटो को डालने के बाद बहुत देर तक भूनना नहीं है, बस पेस्ट मतलब एकदम स्मूथली पेस्ट नहीं आएगा इसमें। और थोड़ा सा और नमक डाल देता हूँ, और नमक डालने के बाद इसको मिला के इसमें मैं पोटैटो डाल देता हूँ। तो पोटैटो को डालने के बाद पोटैटो को भी अच्छे से इसको भूनना है मसाला के साथ, और भूनने के बाद मैं इसमें पानी डाल दिया। तो क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालना है, जैसे आप अगर छः कटलेट का बना रहे हैं तो 2 या 3 कप यूज़ कर सकते हैं आप पानी। और पोटैटो को पहले से बॉयल हुआ था तो इसको बॉयल करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और जब ये मसाला पानी के साथ पूरा मिल जाएगा, स्मेल आ जाएगा एक, तो एक एक करके मैं सारे कटलेट इसमें डाल देता हूँ। और डालने के बाद मैं फिर से 2 या 3 मिनट के लिए बॉयल करूँगा, और बॉयल करने के बाद रेडी हो जाएगा आज का ये डिश, एक कटलेट करी। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है, और ऊपर से मैंने जो 3 मसाला जो रोस्टेड मसाला मैंने बनाया था सबसे पहले दिखाया था, मिर्ची और जीरा और धनिया का, वो मैं ऊपर से डाल दिया, और धनिया पत्ता डाल दिया। प्लीज़ आप घर में एक बार ट्राई करिए, बहुत ही